शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रितु के बाजू की सीट की बुकिंग मैंने की है। हाँ ओके, लेकिन दूसरे बाजू की सीट मैंने बुक कर ली है। हाँ? कोई बुकिंग नहीं कर सकता। रितु ने टिकटें खरीदी हैं, जो जिसके हाथ में आए वो वहीं बैठेगा। ओके सही है, सही है, बिल्कुल सही है। हेलो कहाँ हो तुम? अरे नहाने के लिए बाथरूम चेंज किया तो मुझे बताना चाहिए था ना। तेरे लिए ला दे। हाय मार्तंड। मारो साले कटिंदर। डायल किया गया नंबर मौजूद नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद फोन करें। टू मौजूद नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद। अबे मारू के बच्चे, तेरी खाल तो मैं बाद में उखाड़ूंगा। चौधरी नाटा का सोना लॉकर से बाहर निकाल। आज का भाव बोलो और तोल मोल के माल दे दो जी। मेरे से मटर कश्ती करता है साला। इतना ओखली में मुंह डाल डाल के कूटने जैसी क्या बात है? झटक से बोलना कितना मिलेगा? कम से कम 3 साल। क्या आप यही तशरीफ रखिए, हम पैसा आपको गिनके अभी देते हैं। ओ कछुए के बाराती हो, जल्दी करो, अपने पास टाइम नहीं है। आए वो ठग। यही है वो ठग साहब। सर ए, डाल दे इसको डिब्बे में। डिब्बे में मैंने क्या किया है? हिम्मत तो देखो बगले भगत की, पूरे नकली जेवर बेचने चला था तू मुझे। नकली है? तेरी एक्टिंग असली है। अरे क्या चल ए, हाथ नहीं लगाने का, अपन भी पुलिस वाला है। क्या सोच रही थी? सोचती हूँ कि तुम चारों के अलावा भी एक और दोस्त था जो राहुल भैया के बहुत करीब था। वो कहाँ होगा? कहीं नहीं होगा। हाँ। क्योंकि कोई था ही नहीं। हाँ। राहुल के तो आगे पीछे ऊपर नीचे हम ही लोग। नहीं कोई और भी था, मैंने उसके बारे में सिर्फ सुना है, कभी देखा नहीं। पर मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ। नाम क्या बताया? जय। राहुल भैया उसे उसी नाम से बुलाते थे, कैसा दिखता है पता नहीं। मगर इतनी नफरत क्यों? वो मेरी अपनी बात है। चलो मान लो कि मैं उसे जानता हूं और तुम्हें उसे मिलवा भी देता हूं, तो तुम करोगी क्या? एक जोर का थप्पड़ मारूंगी। तुम जानना चाहती हो जय कौन है? हाँ कौन है? तो हम ही में से एक, लेकिन इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। क्या पक्किया? हमारे लिए पक्किया, लेकिन कई लोग उसे जय कह के बुलाते हैं। उसका सरनेम जयवर्धने है ना, तो जयवर्धने जय जय जयवर्धने, समझी? अरे प्लीज, वैसे इतना बड़ा राज तो है नहीं, फिर भी उसे ये मत बताना कि हमने तुम्हें बताया। क्या है ना कि जय ये नाम उसे इतना अच्छा नहीं लगता, पता चल गया तो खामखा वो हमारी। लेकिन हम भी तुम्हारे दोस्त हैं, और जरूरत के वक्त काम आने वाला दोस्त ही जिगरी दोस्त होता है ना? चलो हमेशा के लिए टपका। तेरा लाख लाख शुक्रिया भगवान। एक छप्पड़ मारूंगा, पक्किया को टपकाने का फुल क्रेडिट मेरी अकल को जाता है। तुम्हारा पूरा नाम पंकज जयवर्धने है ना? हाँ, लेकिन और दोस्तों के लिए पक्किया बराबर। हाँ मगर मेरे भैया तुम्हें जय बुलाते थे। जय? इतना चौंकने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। दरअसल मैं तुम्हें यहाँ एक जोरदार लगाने के लिए आई थी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगी, क्योंकि तुम मेरे होने वाले पति हो।
साला हमारा पत्ता काटने चला था। अब रितु उसका गला काटेगी। मैंने बोला था सालो मेरे बाल ही नहीं मेरी अक्कल भी बड़ी है। साला मैं बहुत कमी ना ही है। Yes, boys. आज से आप लोग मेरे दोस्त नहीं बल्कि जिगरी दोस्त बन गए हैं। जिसे मिलने के लिए मैं कब से बेताब थी, उसे मिलाया आपने। यही तो मेरा मंगेतर है। मंगेतर? तूने तो कहा था झापड़ मारोगी, जान ले लोगी और पता नहीं क्या क्या करोगी। ये क्या कर रही हो? जय के साथ कुछ ऐसा ही करना चाहिए। इतने दिन मुझसे छुपा रहा, सजा तो मिलनी ही चाहिए, है ना? पर क्या करूं? जब भी इसे देखती हूँ तो मेरा दिल पिघल जाता है। और तुम इन सब के साथ मिलके मेरी खिंचाई करते रहे। मारो, मेरी अकल फिसल रही। मेरी भी। क्या? अरे रितु तुम्हें निकलना चाहिए ना अभी, वो दादाजी को डॉक्टर के पास लेके जाना है। ओह या या राइट। बाय गाइस, थैंक यू सो मच। बाय बाय, आई विल कॉल यू टुमारो। बाय। देखने को बाकी था। निकम्मो, मेरे रास्ते में सांप बिच्छू छोड़ रहे थे, उल्टा वही सांप आके तुम्हें डसाना। रितु के लिए उसके भाई ने किसको चुना? अपने जिगरी दोस्त को। उस जिगरी दोस्त का नाम क्या था? जय। मैं जय बना किसकी बदौलत? तुम्हारे फूटे कर्मों की बदौलत। अब कल जाके मैं दादा दादी से मिलूंगा, परसों सगाई और फिर शादी। तुम गरीबों के लिए मैं लंगर जरूर रखूंगा। वैसे किसके किसके दिमाग में से निकली थी ये गोटी, प्लीज मुझे नाम बताओ। असली जय ने अवतार लिया तो? अरे तब तक तो शादी हो जाएगी। मैं रितु के दिल में प्यार का ऐसा ताजमहल बनाऊंगा कि कोई भी भाई का बुलडोजर उसे उखाड़ नहीं पाएगा। बड़ी आस थी तुमसे मिलने की, आज कलेजे से लगाया तो ठंडक पड़ी। तुम्हारे माँ बाप बाकी परिवार कहाँ है? दोनों नहीं है, सिर्फ बहन है। कहाँ है? नहीं है, मतलब है लेकिन यहाँ नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। जय के बारे में राहुल ने हमें सब कुछ बता दिया था। हाँ। फिर भी उंगली घुमाती रहोगी बेटा? हाँ जी। देखो, तुम्हारे बारे में हमने इतना सुना था लेकिन कभी देखा नहीं था। हाँ। आज देख भी लिया। हाँ। वैसे तो हम लोग दिवाली में ही मिल लेते अगर तुम राहुल के साथ दिवाली में हमारे घर आ जाते, नहीं? हाँ। लेकिन तुमने अचानक प्लान बदल दिया, इसलिए हम नहीं मिल पाए। और फिर राहुल के जाने के बाद तो सब कुछ बदल गया। छोड़ो भी, पिछली परछाई पीछे छोड़ो, अब आगे का सोचना है। मैंने सोच लिया है, हम वही करेंगे जो राहुल ने तय किया था। एक साल बाद रितु की पढ़ाई खत्म होते ही हम इन दोनों की शादी करा देंगे। और एक बात, अब तुम पराए नहीं हो, हमारे अपने हो। जो हमारा कारोबार अभी तक लावारिस था उसे अब तुम संभालोगे। मुझे कुछ मालूम? मैं भाई देखो, ये मम करने की जरूरत नहीं है, पूरा ऑफिस बिखरा पड़ा है, कल से ऑफिस ज्वाइन कर लो और उतरती पतंग को चढ़ा दो। अरे लेकिन मुझे कुछ मालूम नहीं है बिजनेस के बारे में। वो उसकी चिंता मत करो, मैनेजर तुम्हें सब सिखा देगा। हाँ लेकिन क्या है, वो मेरा खुद का अपना बिजनेस भी है तो। तुम्हारा बिजनेस तो चौपट हो गया था, राहुल ने मुझे बताया था। हाँ लेकिन वो तब, अब क्या है कि मैं। अरे अब तब छोड़ो, तुम रोज ऑफिस जाओ, शादी होने तक 1,00,000 रुपए महीना तनख्वाह ले लो। 1,00,000? क्यों, कम है? देखो बेटा, अब तुम इस परिवार का हिस्सा हो और मैं इस परिवार का मुखिया हूं, इसलिए तुम इनकी दादागिरी से हो। हाँ, मैं अभी ऑफिस फोन करता हूं। हाँ एमडी, कल सुबह अपनी रितु के मंगेतर ऑफिस पहुंचेंगे। हाँ अब वही सारा कारोबार संभालेंगे, उन्हें मालिक की जगह रखो और सब छोटे मोटे जाड़े पतले सब सवाल मेरे नहीं, उसके जवान कंधों पे दागो। हाँ अरे ध्यान से बेटा, आते रहना बेटा। क्या कर रहे हो? अभी तुम्हारा ही घर है। सॉरी।
अरे जैन साहब, आपने खुद क्यों आने की तकलीफ की, किसी को भिजवा देते। अच्छा सर, लड़का बैंक का सबसे बड़ा खाता आपका है, इसमें तकलीफ कैसी। और आपने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया, इसलिए सोचा मैं खुद आ जाऊँ सिग्नेचर लेने। लाइए, ये लीजिए, मैं साइन करके भिजवा दूंगा। जी सर। अब अरे गंगाधर। हाँ जी सर। जरा यहाँ तो, वो छोकरा जो अभी यहाँ से गया वो कौन था। सुना है वो इनका होने वाला जमाई है। जमाई?